चायल होटल एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल तथा अधिकारियों का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं और होटल में उपयोग में लाई जाने वाली बिजली पर जो डिमांड चार्ज लगता था उसे माफ कर दिया गया है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों में खुशी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में प्रदेश सरकार ने होटल व्यवसायियों के बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्ज को माफ करके बेहद अच्छा काम किया है, साथ ही हिमाचल होटल व्यवसायी उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायी प्रदेश सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का हम चायल होटल एसोसिएशन के लोग धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो हमने पिछले दिनों ठाकुर जयराम जी से होटलों के लिए बिजली के जो डिमांड चार्जेस थे उसको खत्म करने की मांग रखी थी और उसमें और भी बहुत सारी मांगें थी, तो हमारी जो डिमांड चार्जेस की जो मांग है उसको सरकार ने, हिमाचल के कैबिनेट ने उसको हमारे को राहत दी है। उसके लिए हम सरकार का और जयराम जी का, मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों की जो एक रिलीफ कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जो मंत्री लिए हैं वो बड़े सक्षम मंत्री हैं और उन मंत्रियों ने अभी और भी जो रिपोर्ट पेश करनी है वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो बाकी की मांगे हमारी रखी गई हैं वो उसमें वो पूरी करेंगे और पूरे ध्यान पूर्वक उन मांगों को उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री के समक्ष लाया जाएगा। पर हम सरकार का और मुख्यमंत्री महोदय का बार बार पुनः धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो डिमांड चार्जेस थे इससे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा जो होटलों पर बर्डन था वो दूर किया है और उससे हमारे को